नमस्कार दर्शकों, मैं बोल रही हूँ आयुष शिखर और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। पंजाब इस समय हॉट सीट है क्योंकि यहां से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे एससी आयोग के चेयरमैन, पुराने केंद्र मंत्री और पूर्व केंद्र मंत्री, साथ ही साथ भाजपा पंजाब भाजपा के अध्यक्ष रह चुके विजय सांपला जी इस पर चुनाव लड़ रहे हैं विधायक के रूप में। चुनाव की इस गर्मी को जानने के लिए इस समय मैं मौजूद हूँ फवाड़ा के एमसी जी के साथ जो कि भाजपा की है। तो आइए जानते हैं कि फवाड़ा में चुनाव का असली मैदान क्या है, असली माहौल क्या है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना परिचय दे सकते हैं? मैं गुरदीप दीपा भाजपा का कार्यकर्ता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो हमारी बात है वो लोगों के बीच में रखने के लिए आप यहां आए हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे आपसे कुछ सवाल है। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि बतौर एमसी होने के नाते आपने फवाड़ा में क्या क्या विकास किया है? फवाड़ा में तो जब जब भाजपा की सरकार आई है, जब जब भाजपा का एमएलए आया है, फगवाड़ा का चौमुखी विकास हुआ है। चारों तरफ फगवाड़ा में विकास हुआ है और जो आज तक फगवाड़ा में जितना भी बड़े प्रोजेक्ट आए हैं वो भाजपा की सरकार के टाइम ही आए हैं। जब जब भाजपा का एमएलए बना तभी तभी विकास हुआ है। उसमें से चाहे बस स्टैंड ले लो, सिविल हॉस्पिटल ले लो, पुल ले लो, बड़ी बड़ी सड़कें ले लो, ऑडिटोरियम ले लो, पार्किंग ले लो, जो एलिवेटेड पुल बनाए अभी हाईवे पे वो ले लो, जो जो हमारे उम्मीदवार हैं श्री विजय सांपला जी जो पहले एमपी थे उनके टाइम पे वो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था उन्होंने बनाया। तो आप मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम बता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पासपोर्ट केंद्र यहाँ खुला वो भी श्री विजय सांपला जी ने खुलवाया, और गाड़ियों को रुकना हुआ वो भी विजय सांपला जी ने करवाया, जो एलिवेटेड पुल है वो भी विजय सांपला जी की देनी है, और जो पोस्टल हमारे यहाँ पोस्टल और नहीं था उद्योगपतियों के लिए वो सामान सुमन जो ढुआ ढुआई होती है रेलवे में वो नहीं था, वो उन्होंने करवाया। बहुत बड़े बड़े काम है और सबसे बड़ा काम जो आदमपुर में एयरपोर्ट बना वो भी श्री विजय सांपला जी की देन है। बहुत बड़े 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 काम किए हैं और सबसे बड़ी बात ये है विजय सांपला में कि वो ईमानदार हैं और वो कहते भी हैं स्टेज पे भी कहते हैं, और हम सारे कार्यकर्ता जब भी लोगों के बीच में जाते हैं हम बोलते हैं सभी को कि अगर विजय सांपला जी ने कहीं से 1 रुपया लेकर भी किसी का काम करवाया है तो विजय सांपला जी घर बैठ जाएंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। एक बंदा भी ये बोल दे कि मैंने पैसे देकर काम करवाया है, इसलिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। दो बातें में लेकर लोग जा रहे हैं, एक तो हमारा उम्मीदवार ईमानदार है और दूसरा जो 5 साल कांग्रेस की सरकार में फगवाड़ा में करप्शन हुई है उस वो लेके लोगों के में जा रहे हैं कि करप्शन को अगर खत्म करना है तो भाजपा का एमएलए होना जरूरी है। पंजाब में अगर नशा खत्म करना है, करप्शन खत्म करना है तो भाजपा की सरकार आना बहुत जरूरी है। तो आपका कहने कि पंजाब में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, आपने चुनाव बताया कि नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप जो फवाड़ा के एमसी हैं आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के उम्मीदवार है, भाजपा के उम्मीदवार है विजय सांपला जी, उनके जीतने से, फवाड़ा में जीतने से आपको क्या क्या फायदा होगा बतौर एमसी होने के नाते? पहली बात तो ये बता दूं कि सबसे पहले जो फगवाड़ा के लोग हैं वो भ्रष्टाचार और जो सरकारी अफसरों में सरकारी दफ्तरों में पैसे लेकर काम हो रहे हैं ना वो तो नहीं होंगे, वो तो 100% आप लिख लो कि वो कभी नहीं होंगे। अगर भाजपा का एमएलए आ गया और आया विजय सांपला तो हमारा तो मेन मकसद है कि फगवाड़ा में करप्शन फ्री फगवाड़ा कर दें। दूसरा नशा, नशा बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब में और फगवाड़ा में भी नशा बिकता है। ये जो नशा जो बिकता है ना वो जब कमजोर सरकार आ जाए, कमजोर एमएलए आ जाए तो वो नशा बिकता है। ऑफिसर और नेता लोग मिलकर ये काम करते हैं, ये हम कड़ी तोड़ देंगे। ये हमारा एक मुख्य मुद्दा है कि हम नशा खत्म करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि अगर भाजपा का एमएलए और भाजपा की सरकार बनी तो वो डबल इंजन वाला काम चलेगा। अगर जो जिस दिल्ली में भी हमारा इंजन है बड़ा, मोदी जी बैठे हैं, तो पंजाब में भी हमारा इंजन आ जाएगा तो स्पीड विकास की और जो जो ये नशे वाली खत्म करेंगे और लोगों के बीच में एक हवा चल गई है, एक लोग चाहते हैं कि भाजपा की सरकार पंजाब में बने ताकि जो जैसे बाकी स्टेटों में भी विकास हो रहा है वैसे पंजाब में भी अच्छे से गति से विकास हो। अच्छा, तो आपने आपने वापस बताएंगे कि दिल्ली में कौन सी सरकार है? दिल्ली में भाजपा की सरकार है। केंद्र की सरकार बोल रहे हैं? नहीं, दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली लोकल में केजरीवाल की सरकार जी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जैसे कि आप फवाड़ा के एमसी है
तो आप आपके अंदर सारे नगर निगम का सारा काम आता है और सड़कें जो नाली और जो सड़कें हैं उसका सारी व्यवस्था आप पे आती है, सारा काम आप पे आते हैं, तो राज्य और केंद्र की जितनी भी योजनाएं आपके कितने काम आई है? देखो जो फगवाड़ा 5 साल से फगवाड़ा में काम चल रहा है वो कांग्रेस की सरकार थी और नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार हो चुका था कि आप कुछ भी छोटा छोटा काम भी अगर किसी ने नक्शा पास भी करवाना है तो वो हो नहीं रहा था, पैसे लेकर नक्शे पास। कितने पैसे लेते थे? कितने आप सोच भी नहीं सकते। आप बताइए अंदाजा बताइए। आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ हमारे हरगोविंद नगर में हॉस्पिटल बना उनसे ही 20-25 लाख ले लिया। 20-25 लाख लेते थे? 20-25 लाख 20-25 लाख और एक हॉस्पिटल बना था, मतलब आप एक छोटे छोटे घरों में लोग 1500-1500 रिश्वत ली इन्होंने, तीन मरल 1500-1500 रुपया भी रिश्वत लेके नक्शे पे साइन किए और लोगों को इतना तंग किया आप सोच नहीं सकते। कचहरी में चले जाओ रजिस्ट्री पैसे के बगैर नहीं होती, इंतकाल करने पटवार करने चले जाओ पैसे के बगैर नहीं होता, थाना कचहरी में चले जाओ लीडरों ने सेटिंग की हुई है कि इधर ये आएंगे तो इनका काम नहीं करना हमारे से पूछे बगैर, वो उधर पैसे देंगे तो काम होगा, ऐसा हर एक सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार है। इसे खत्म करने के लिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि विजय सांपला जी को विजयी बनाएं, विजयी बनाकर और फगवाड़ा का जो ये भ्रष्टाचार है जो नशा है इसे मुक्त करेंगे, फगवाड़ा को एक अच्छा रास्ता देंगे, जो हमारी भाजपा की नियत और नीति है उस पे चलते हुए हम फगवाड़ा को आगे लेके जाएंगे। मेरा सवाल आपसे, राज्य और केंद्र की जो योजनाएं थी आपके कितने काम आई? पहले मुझे योजना के बारे में बताइए। केंद्र की योजनाएं, केंद्र की योजना तो सभी केंद्र की योजनाएं चल रही है। एक नाम बताइए। जो मकान के लिए लोगों को मिलता है 1.5 लाख रुपया वो भी केंद्र की स्कीम है, जो दाने मिलते हैं वो भी केंद्र की स्कीम है, जो महिलाओं को गैस सिलेंडर मिले वो भी केंद्र की स्कीम है, जो भी पैसा आता था वो केंद्र की स्कीम, आयुष्मान कार्ड जो बना लोगों के लिए वो भी केंद्र की स्कीम है, कोई पंजाब की तो कोई स्कीम ही नहीं है। क्या बनाना चाहोगे आप, क्या बनाओगे फिर? क्या अगर ये भाजपा यहाँ पे जीती तो आप कौन कौन सी योजनाएं चालू करोगे लोगों के विकास के लिए, लोगों के भले के लिए? हाँ, जो केंद्र की योजनाएं थी वो पंजाब ने चलने नहीं दी, हम उन्हें जोर से लागू करेंगे। आज देख लो आप बिहार में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, गुजरात में चले जाओ, सारी योजनाएं बहुत अच्छे से चल रही हैं। अच्छा, पंजाब में क्यों नहीं चली है? इसीलिए नहीं चली क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, इन्होंने योजनाएं चलने नहीं दी, क्योंकि अगर योजनाएं चलती तो लोगों में जाती, लोगों ने मोदी मोदी जिंदाबाद बोलना था, मोदी मोदी कहना था ना, इन्होंने चलने नहीं दी कि मोदी का नाम आएगा, योजनाएं फेल करते गए, कोई भी योजना आई फेल करते गए। आज लोगों को मकानों के पैसे अभी तक भी नहीं मिले हैं, मकानों के पैसे अभी तक नहीं मिले, गौर करिएगा इस पे, आगे बताते हैं, आगे बताइए। हाँ, मकानों के पैसे भी नहीं मिले, अगर कोई भी योजना आती थी उसे नाम बदल देते थे, अगर कोई मोदी की योजना पिछली आई उसका नाम बदल के मुख्यमंत्री योजना रख दिया, योजना रख देते थे, वो काम चलता ही नहीं था। आज आप मोहल्लों में गलियों में जाके देख लो, गरीबों के वैसे ही छतें टूटी पड़ी हैं और 1.5 लाख जो स्कीम थी 1.5 लाख की इन्होंने चलने ही नहीं, पूरी नहीं होने दी कि मोदी सरकार की बल्ले बल्ले हो जाएगी, कांग्रेस की थल्ले थल्ले हो जाएगी, बीजेपी की बल्ले बल्ले, कांग्रेस की थल्ले थल्ले, बीजेपी की बल्ले बल्ले। से मेरे को एक सवाल आपसे पूछना है कि गांव में लोग कह रहे हैं कि मोदी बेकार है, वो विरोध कर रहे हैं मोदी जी का, भाजपा का विरोध कर रहे हैं, तो क्या विजय सांपला जी का विरोध भी चल रहा है गांव में? देखो जो पीछे पंजाब में हुआ वो एक कांग्रेस का और कम्युनिस्टों का एक मिलके मोदी जी को बदनाम करने की एक साजिश थी, सड़कों पे आए लोगों को तंग किया, वो एक कांग्रेस सरकार की का वो जो कांग्रेस सरकार की देन थी, वो कोई किसानों का मोर्चा नहीं था, उसमें भी जो किसान थे आज आप देख लो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, सभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके मन में ही था कि हम नेता बनेंगे, आंदोलन से निकलेंगे, वो आंदोलन कोई नहीं था, वो तो एक मोदी को बदनाम करने की, एक देश को बदनाम करने की साजिश थी, राष्ट्रवादियों को बदनाम करने की साजिश थी, जो देश से प्यार करते हैं, जो भारत माता की जय बोलते हैं उनको बदनाम करने की साजिश। तो क्या लगता है कि किसने इस साजिश को अंजाम दिया होगा, लोगों को भड़काया होगा? हाँ, तो वो कम्युनिस्ट जो लाल झंडे वाले हैं, वो कांग्रेसी जिन्होंने लगता था कि आगे इलेक्शन होगा हमें फायदा होगा किसानों की वोट मिलेगी, वो भी फेल हो गए, किसानों ने तो अपनी पार्टी बना ली, वो अपने खड़े हो गए, और आज जो सोच रहे थे कांग्रेस कि हमें फायदा होगा वो फायदा उनको नहीं होगा। हाँ, जो थोड़ा बहुत, हाँ मैं मानता हूँ कि गाँव में थोड़ा बहुत हमारी पार्टी के खिलाफ था माहौल, पर अब सही हो गया, जब वो जो नेता थे किसानों के नेता थे जो आप इलेक्शन लड़ने लगे तो लोगों के मन में आ गया कि नहीं यार ये तो नेता बनने आए हैं, ये तो बदनाम करते थे मोदी जी को। मोदी जी अगर राष्ट्र को संभालना है, अगर राष्ट्र को आगे लेके जाना है,
अगर दुनिया में राष्ट्र का नाम रखना है तो मोदी जी एक ही ऐसा नेता है जो राष्ट्र को आगे लेके जाएगा, जो भारत माँ को आगे लेकर जाएगा, जो अपने धर्म को आगे लेकर जाएगा। जो मोदी जी है बता रहे हैं कि मोदी जी अगर आएंगे तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा, सबका भला होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं जो भाजपा के अब उम्मीदवार विधायक है विजय सांपला जी ने लोगों के लिए क्या करा है, उनका फगवाड़ा से कैसे नाता बना, उन्होंने लोगों की मदद कैसे करी, क्या करा लोगों के लिए? विजय सांपला जी जो फगवाड़ा का लास्ट गांव है उनके साथ ही उनका भी गांव है, वो फगवाड़ा में आते जाते रहते थे, और जब भाजपा के लीडर बने तो भाजपा में जब विजय सांपला जी आए तो ऐसे लोग बहुत कम थे, इन्होंने आकर एक ऐसी जो लोग थे उनमें काम किया बहुत ज्यादा, उस बरादरी में जो काम किया और वहां से वो निकले, एक छोटे लेवल से ऊपर आए, बहुत गरीबी थी घर में और मेहनत करके वो बाहर भी गए, वहां भी प्लम्बर का काम किया और वहां यहां आकर पहले सरपंच बने और सरपंच के बाद सीधे भाजपा ने उन्हें आगे बढ़ाया, उनकी उनको देखा कि ये जो नेता है वो काम करने वाला है, उसको आगे बढ़ते कर, और फिर एमपी बने, एमपी के बाद मंत्री बने मोदी सरकार में, और फिर ऐसी कमीशन के चेयरमैन बने, और आज वो हमारे इतने कद्दावर नेता है कि मोदी जी ने उन्हें फगवाड़ा में इलेक्शन लड़ने के बोला और उन्होंने ऐसी कमीशन से इस्तीफा देकर विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, वो भी पार्टी के कहने पर, तो मोदी जी के कहने पर कि आप वहां से लड़ो। और मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि विजय सांपला जी जैसे ईमानदार नेता नहीं मिलेंगे, और जहां अड़ने वाली बात होती है, जहां खड़ने वाली बात होती है, तो विजय सांपला का नाम इन सब लीडरों में सबसे आगे आएगा। आपने बताया कि विजय सांपला जी बहुत ईमानदार है, तो इससे जुड़ी एक अफवाह मेरे को सुनने के लिए आई है, एक बात सुनने के लिए आई है कि जो अकाली के कुछ वोटर्स हैं वो भाजपा में, भाजपा के जो उम्मीदवार है विजय सांपला जी को सपोर्ट करे, और साथ ही साथ कांग्रेस के कुछ सपोर्टर्स भी, तो क्या ये सच है या फिर एक महज एक अफवाह है ये? देखिये, जो हमारा अकाली भाजपा का रिश्ता रहा है बहुत पुराना, अब पंजाब में जो मेरा विचार है वो ये है कि अगर अकाली भाजपा पंजाब में इकट्ठे रहते हैं तो जो हिंदू सिख एकता है ना वो मजबूत रहती है, जो 9 मास का रिश्ता है वो मजबूत रहता है, रिश्ते पुराने हैं। सांपला जी जब एमपी थे तो इन्होंने बहुत लोगों के काम किए हैं, और पंजाबी ऐसा नहीं होता कि काम करवा ले किसी से तो भूल जाए, ऐसा पंजाबी नहीं है, पंजाबी जिसके साथ है वो है, चाहे वो कोई पार्टी में हो वो एहसान नहीं भूलता। अगर किसी, मान लो मेरा काम किसी सांपला जी ने किया तो एहसान नहीं भूलूंगा, मैं कहूंगा नहीं यार। क्या काम किया, छोटा सा उदाहरण दीजिए, क्या लोगों की मदद करी है, क्या उन्हें दाना पानी दिया है या क्या करा है? नहीं, दाना पानी की तो बात नहीं होती, काम जो परिवारों में बहुत काम हो जाते हैं, जैसे किसी का काम, मान लो किसी का थाने में काम पड़ गया, किसी का कोई पंगा पड़ गया, किसी की जमीन का रौड़ा हो गया, किसी का रजिस्ट्री नहीं होती, किसी का इंतकाल नहीं होता, किसी का दिल्ली में काम पिया क्योंकि दिल्ली में थे वो, ऐसे इतने हजारों काम उन्होंने किए हैं। और मेरे को तो जब हम गांव में या गलियों में जाते हैं तो पता चलता है कि सांपला जी ने इसका भी काम किया है, इसका भी काम किया है, वो कहते हैं सांपला जी एक हमारे यहाँ ही एक वार्ड है वहाँ चले गए, हमारे दोस्त हैं वो, 2-3 साल पहले उन्होंने को काम किया था उनका, वो है तो अकाली दल का बंदा, पर उन्होंने बोला कि सांपला जी जो मर्जी हो जाए मैं आपके साथ हूँ, मेरी वोट आपको होगी, ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब सांपला जी के जो चर्चे हैं वो चारों तरफ है, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप अपने वोट की जो वार्ड के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, एक एमसी होने के नाते अपने लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं अपने लोगों को ये अपील करांगा, सारे वार्ड दे भी, सारे फगवाड़े दे, सारे पिंडा दे लोगों को अपील करांगा कि अपने को एक मौका है अगे जाने का, एक मौका है डबल इंजन सरकार लियाने का, एक मौका है हिंदू सिख एकता मजबूत करने का, एक मौका है भ्रष्टाचारी लोगों को पिछे सिटन का, एक मौका है विकास की गति को अगे लेके जाने का, एक मौका है बीजेपी की नीयत और नीति वाले कामों के विच अगे लेके जाने का। मैं लोगों को अपील करांगा कि श्री विजय सांपला जी जो ईमानदार साढ़े इतों उम्मीदवार ने, जो एक कद्दावर बीजेपी के नेता ने, जो मोदी जी के नाल 5 साल सरकार के विच काम कर चुके ने, मैं सारे नूं बेनती करांगा अपने जांचे परखे ते खरे होए नेता नूं आपां उम्मीदवार बनाईए तां जो फगवाड़े के विकास नूं गति दे सकी, और वड्डे प्रोजेक्ट जिहड़े पहलां भी आए ने और उस तों बाद 5 साल कोई फगवाड़े दे विच वड्डा प्रोजेक्ट नहीं आया। मैं बेनती करांगा लोगों नूं कि तुहाडा एक एक वोट पा के सानू पंजाब दी और फगवाड़े दी जिहड़ा विकास है उहनूं इक असीं बहुत तेजी दे नाल अगे लिजा सकदे हां, और श्री विजय सांपला जी दे नाल असीं मोढे नाल मोढा जोड़ के, कदम नाल कदम मिला के, दिल नाल दिल मिला के चलीए, और अपना एक एक वोट जी श्री विजय सांपला जी पा के उन्होंने कामयाब करिए, फगवाड़े के विकास को तरक्की लैके जा सके।
तो ये थे हमारे साथ फवाड़ा के एमसी जी। तो आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में, नए मुद्दों के साथ और नए लोगों के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।